नमस्कार मित्रों, मैं दिव्या दिव्य दृष्टि चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा सिक्स का क्लास सिक्स की अकारांत पुल्लिंग प्रथम पाठ पढ़ाऊँगी। जैसा कि आपको पहले मैं बता देती हूँ कि अकारांत पुल्लिंग का अर्थ क्या है। अकारांत पुल्लिंग का अर्थ है अ शब्द पर अंत होने वाले वर्ण या शब्द, और पुल्लिंग का अर्थ है जो शब्द पुरुषवाचक हों उसे पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं। चलिए विषय पे आते हैं, अभ्यास करते हैं। एषः कः, एषः चषकः, एषः एतौ एते, ये एतत् शब्द के रूप हैं। एतद में प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप ये हैं। बच्चे आगे चल के इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभ्यास पे आते हैं। एषः कः, एषः चषकः, किम एतद बृहत्तः, न एतद लघु, क्या ये बड़ा है, नहीं यह छोटा है। एषः चषकः, यह ग्लास है। संस्कृत में चषकः, ग्लास को चषकः कहते हैं। किम एतद् एषः बृहत्तः, न एषः खलु, यह छोटा है। सः कः, सः शौचिकः। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देती हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक तरफ आप लिख लीजिए। ऊपर साइड लिखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के नीचे सह, द्विवचन के नीचे तौ, ते, बहुवचन के नीचे ते। एक वचन के नीचे फिर से त्वम, द्विवचन के नीचे युवाम, बहुवचन के नीचे युयम। एक वचन के नीचे अहम, नीचे तीसरी लाइन में, द्विवचन के नीचे आवाम और बहुवचन के नीचे वयम। प्रथम पुरुष की लाइन में आपने लिखा सह तौ ते, मध्यम पुरुष की लाइन में आपने लिखा त्वम युवाम युयम, उत्तम पुरुष की लाइन में आपने लिखा अहम आवाम वयम। अब हम धातु रूप में आ जाते हैं। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठथ पठथ, पठामि पठाव पठामः। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप सह का प्रयोग करेंगे उसके साथ हमेशा एक वचन पठति शब्द का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति, वो दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वो पढ़ते हैं ते पठन्ति। हाँ, अब विषय पे आते हैं। हाँ, सः कः, सः शौचिकः, वह कौन है, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः किम सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। देखिए यहाँ शौचिकः एक वचन है, प्रथम पुरुष है, इसलिए करोति के साथ धातु रूप में भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया गया है। आप भी ऐसा ही करेंगे। एतौ कौ, एतौ शुनकः स्तः, यह दोनों कौन है। एतौ शुनकः स्तः, यह दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, नहीं एतौ उच्चै भुक्कतः, यह ऊंचे स्वर में भोंकते हैं। तौ कौ, वो दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वो दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, नहीं तौ क्षेत्रम कर्षतः, ये क्षेत्र को जोतते हैं। सह तौ ते, सह एक वचन में प्रयोग होता है, तौ द्विवचन में, और ते बहुवचन में प्रयोग होता है। और एषः एतौ एते, एषः एत, एषः एक वचन में प्रयोग होता है, एतौ द्विवचन में, और एते बहुवचन में प्रयोग होता है। यह एतत का शब्द रूप है। सह तौ ते तद पुल्लिंग शब्द का रूप है। आगे एते के, एते स्यूताः सन्ति, ये क्या,
ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या यह हरे रंग के हैं? नहीं, ये नीलवर्णा सन्ति, ये नीलवर्ण के हैं। ते के, ते वृद्धा सन्ति, ये कौन हैं? ये वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे हंसते हैं। नमस्कार बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।